ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 19 मई दिन रविवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से सभी पाप व दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पुराणों में कहा गया है कि एकादशी की महिमा इतनी बड़ी है कि इस दिन व्रत कथा को सुनने एवं इसका पाठ करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। तो प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम श्रवण करेंगे मोहिनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पावन पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चितमन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो आइए भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के कई अवतार देखने को मिलते हैं। इन्हीं में से एक है मोहिनी अवतार। विष्णु जी का यह एकमात्र स्त्री अवतार है। मोहिनी अवतार में उन्हें स्त्री के ऐसे रूप में दिखाया गया है जो किसी को भी मोहित कर ले। उनके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब कुछ भूल सकता है। भगवान विष्णु ने एकादशी पर स्त्री रूप में मोहिनी अवतार धारण किया था। इस दिन यानी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की विधि विधान से पूजा की जाए तो घर या मन से नकारात्मकता दूर हो जाती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, धन यश और वैभव बढ़ता है, घर में सुख व शांति बनी रहती है, गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती है। यही नहीं, मान्यता है कि एकादशी के दिन व्रत करने से बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, व्रती मोह माया एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार लेने की वजह से सबसे पहले हम श्रवण करेंगे मोहिनी अवतार की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर ऐसा दैत्य था जिसको भगवान शिव ने वरदान दिया था कि जिसके शरीर पर वह हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद भस्मासुर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करने लगा। वह स्वयं शिव जी को भस्म करने निकल पड़ा। यह देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया और भस्मासुर को आकर्षित कर उसे नित्य के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर मोहिनी की तरह नित्य करने लगा और सही मौका देखकर मोहिनी रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा, जिसकी नकल भस्मासुर ने भी की। अपने ऊपर हाथ रखते हुए भस्मासुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया। विष्णु पुराण में उल्लेख है कि एक बार विष्णु जी की सलाह पर देवता व दैत्य ने मिलकर समुद्र मंथन का निर्माण किया। मंथन के दौरान समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जैसे कि लक्ष्मी जी, कौस्तुभ्य मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरी, अप्सरा, उच्चैसवा नामक घोड़ा, विष्णु जी का धनुष, शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा, एरावत हाथी इत्यादि शामिल थे। मंथन के दौरान जैसे ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, वैसे ही देवताओं व दैत्यों में उसे प्राप्त करने की होड़ मच गई। अमर होने की चाह में देवता व दैत्यों के बीच अमृत कलश को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई। दैत्यों व देवताओं के बीच युद्ध होता देखकर विष्णु जी को चिंता हो गई। वह जानते थे अगर अमृत कलश दैत्यों को प्राप्त हुआ तो वे अमर होकर धरती पर हाहाकार मचाएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके समुद्र से प्रकट हुए, जिसे देखते ही दैत्य उन पर मोहित हो गए। बड़े बड़े नयन, कोमल अंग, रत्न जड़ित स्वर्णमणित आभूषण, विलक्षण परिधान धारण किए मोहिनी रूप ने सभी दैत्यों का मन मोह लिया, जिसके बाद दैत्यों ने मोहिनी के हाथ से अमृत पान की इच्छा जाहिर की। विष्णु भगवान मोहिनी ने दैत्यों की बात मान ली। मोहिनी ने सबसे पहले देवों को अमृत पान कराना शुरू किया। इसी बीच एक चतुर दैत्य मोहिनी का सत्य जान गया। वह चुपचाप देवों का रूप धारण कर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। अमृत पान कराते समय मोहिनी अवतार धारण भगवान विष्णु दैत्य को पहचान गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका शेष अलग कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें दैत्य के गले के नीचे उतर चुकी थीं, जिससे वह अमर हो गया। राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। तो
फिर इसके दूसरे दिन यानी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने उस अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी रूप अवतार लिया था। त्रयोदशी को भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को अमृत पान कराया था। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया था। पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य मिला था। यही कारण है कि इन 5 दिनों तक भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी मोहिनी अवतार की कथा। अब आइए मोहिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही प्रश्न पूछा था, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरण करने वाली और उत्तम है। उस सब के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। मैं इस मोहिनी एकादशी का कथा कहता हूँ, सो इसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्यप्रिय थे, वही राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए धर्मशाला, कुआं, मठ, बागीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था सुमना, दूसरे पुत्र का नाम था धृतिमान, और तीसरे पुत्र का नाम था मेधावी, और चौथे पुत्र का नाम था सुकृत, तथा 5वें पुत्र का नाम था धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुआ आदि कर्मों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजने में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में बाह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट भोगता हुआ इधर उधर भटकने लगा। किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौटिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौटिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के मारे पीड़ित हो मुनिवर कौटिल्य के पास गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, हे महात्मन, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौटिल्य मुनि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तगणों, वशिष्ठ जी आगे श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, हे श्री राम, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौटिल्य मुनि के उपदेशों से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृप श्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो वह सब प्रकार के उपद्रव्यों से रहित श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्त, बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा। भक्तगणों, अब आइए जानते हैं
मोहिनी एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत में एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही इसके नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को मनोवांछित फल प्राप्त होता है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। एकादशी के पहले दिन यानी दशमी तिथि के दिन मसूर की दाल, मांस, मछली, मदिरा, प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। दो दिन दशमी और एकादशी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन दातुन न करें। सुबह नींबू, जामुन या आम के पत्ते चबाकर एवं अपनी उंगली से दांत जिह्वा साफ कर लें। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, इसीलिए नीचे गिरा हुआ पत्ता का उपयोग करें। एकादशी व्रत वाले दिन किसी का दिल न दुखाना चाहिए, क्रोध नहीं करें और हमेशा मधुर वाणी बोलें। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। संभव हो तो विष्णु भगवान के सहस्र नाम का पाठ करें। संध्या काल एकादशी माता की आरती करें। यदि भूलवश भी किसी की निंदा न करें। भगवान विष्णु की पूजा करके अज्ञानतावश हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। इस दिन बाल नहीं कटवाएं, कम बोलने का प्रयास करें। इस दिन यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, अखरोट आदि अमृत फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रती के लिए गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन निषेध है। कुछ भी ग्रहण करने से पहले उसमें तुलसी दल डालकर भगवान विष्णु का भोग लगाएं, फिर खुद ग्रहण करें। और हाँ, तुलसी दल खुद ना खाएं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोज कराकर दक्षिणा दें, फिर भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। पुनः अपने घर के मंदिर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें। अब इस चौकी पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब इसके ऊपर एक पीला कपड़ा बिछा दें। अब चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति, फोटो या प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु को फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का बड़ा महत्व होता है। पूजा में तुलसी के पत्ते प्रयोग में अवश्य लाएं। अब भगवान को धूप दिखाएं और हरि विष्णु की आरती उतारें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करें। पूजा समाप्त होने के बाद पूजा में चढ़ाए गए फल सभी को प्रसाद के रूप में वितरित करें। प्रिय भक्तगणों, पूजा विधि के बाद अब आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत तिथि। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई को सुबह 11:22 से होगा, जबकि एकादशी तिथि का समापन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर होगा। उदया तिथि के मुताबिक मोहिनी एकादशी व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 मई को सुबह 7:10 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी का पारण 20 मई को सुबह 5:28 से लेकर सुबह 8:12 के बीच में किया जाएगा। प्रिय भक्तगणों, इस कथाव्रत विधि और महिमा को संपूर्ण करते हुए आइए अब एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम की नाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना होती, शुक्ल पक्ष में मोक्ष दायिनी पापों को धोती। ओम जय एकादशी माता,
मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। पौष मास के कृष्ण पक्ष को सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम खष्ट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विजया फाल्गुनी कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र मास बल की। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दा धन देने वाली, नाम वरुद्धनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। योगिनी नाम अषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष वरनी, देवशयनी नाम कहाय शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ल होए पुत्र दा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पाप कुंश है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। देवोत्थायिनी शुक्ल पक्ष दुख नाशक मैया, लौद मास की करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। शुक्ल लौद में होय पद्मनी दुख दारिद्र हरनी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता,
मैया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादश की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडासुतेजस्विनी, या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी, या श्रीमनोल्लादिनी, या रंताकरमंथना प्रगंधिता विष्णुश्वया गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती, लक्ष्मीश्च पतिर्मालवती। एक बार प्रेम से बोली, जय श्री कृष्ण, लक्ष्मी मात की जय, जय विष्णु भगवान, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह एकादशी व्रत कथा तथा आरती आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन मंगलमय और खुशियों से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।